कोट नगर में एक बिल्डिंग गिर गई है। लखनऊ हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ा हादसा हुआ है, 28 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। लखनऊ हादसे के बाद पूरी रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, दीवार काट कर रास्ता बनाया गया है रेस्क्यू करने के लिए। बता दें कि लखनऊ में बड़ा हादसा हुआ एक बिल्डिंग के गिरने से, जिसके बाद दीवार काट कर रेस्क्यू करने के लिए रास्ता बनाया गया। अभी तक 8 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है। लखनऊ, यूपी के लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर का ये हादसा है, जहां पर इलाके में एक 3 मंजिला इमारत गिरने से 8 लोगों की मौत की खबर अब तक मिली है। 8 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है और देर रात तक राहत कार्य यहाँ पर चलता रहा। 24 लोग इसमें अभी घायल बताए जा रहे हैं, 28 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ फिलहाल अपडेट है मौके से? बिल्कुल, 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। देर रात तक पूरी तरह से रेस्क्यू चलता रहा, SDRF की टीम पूरी रात ये काम करती रही है। अभी भी लगातार रेस्क्यू वर्क पूरी तरह जारी है। आपको बता दें कि जब ये इमारत गिरी उस वक्त एक ट्रक भी अनलोड हो रहा था, यानी उसमें सामान लोड होने वाला था, और उसी वक्त ये पूरी इमारत भरभरा कर नीचे आ गई। उस वक्त कई सारे लोग अंदर मौजूद थे जो बुरी तरह से फंसे, कुछ लोग बाहर की तरफ थे, जो कम फंसे थे उन्हें पहले निकाला गया, यानी तकरीबन 20 लोग थे जिनको स्थानीय लोग और पुलिस ने वहाँ से तुरंत बाहर निकाला बिल्डिंग से, जिनको कुछ गंभीर चोटें कुछ को आई हैं, कुछ को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, लेकिन 8 वो लोग थे जिनकी जान नहीं बचाई जा सकी। यानी 3 मंजिला इमारत के ठीक नीचे ग्राउंड फ्लोर पर वो लोग काम कर रहे थे, जब ये इमारत भरभरा कर नीचे आई और वो तीनों 2 मंजिल के नीचे बने मलबे के नीचे दबे। घंटों तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में SDRF की टीम्स ने हीट सेंसर्स का इस्तेमाल करके पता किया, लेज़र सेंसर्स का इस्तेमाल करके पता किया कि नीचे कौन है इमारत के। मलबे को बहुत होशियारी से बाहर निकाला गया और धीरे धीरे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। 8 लोगों को बाहर निकाला गया, जिनमें से ज़्यादातर लोग मौके पर ही, जिनकी मौत हो चुकी थी उन्हें निकाला गया। वहाँ डॉक्टर्स की टीम मौजूद थी जिन्होंने प्राथमिकी देने की कोशिश की, लेकिन तभी पता चला कि सबकी मौत हो चुकी है। परिजनों को इन्फॉर्म कर दिया गया है। जितने भी लोग थे जो जीवित बचे थे उनका उपचार के लिए आसपास जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी अतिरिक्त उपचार व्यवस्थाएं की गई हैं, और अब बिल्डिंग को इवैक्यूएट करने, यानी पूरे जो इलाका है उसके आसपास की जो बिल्डिंगें हैं जो भी थोड़ी बहुत क्षतिग्रस्त हुई हैं उनके वहाँ पर भी जो मौजूद लोग हैं उन्हें वहाँ से हटा दिया गया है, और धीरे धीरे जो पूरा बिल्डिंग डिमोलिश हुई है उस साइट को धीरे धीरे क्लीन किया जा रहा है। जी अभिषेक, इस कॉम्प्लेक्स में दवा, इंजन, ऑयल कंपनियों समेत 4 गोदाम चलाए जा रहे थे, जिसमें लगभग 30 लोग जो है काम करते थे इसके गोदाम में। 30 से ज़्यादा भी हो सकती है ये संख्या, इतने लोग इस गोदाम में काम करते थे। भरभरा कर ये बिल्डिंग गिर गई, किसी को अंदाज़ा भी नहीं लगा होगा कि इस तरीके से एक अचानक ये हादसा हो जाएगा। क्या मुख्य कारण रहा इस बिल्डिंग के गिरने से? जिस तरीके से इसमें गोदाम चलाए जा रहे थे, काम हो रहे थे, क्या उसकी जानकारी प्रशासन को थी? क्या इनके लीगल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे? बिल्कुल, 2020 में ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई थी। यहाँ पर एक फार्मा कंपनी का गोडाउन, साथ ही साथ नीचे एक इंजन ऑयल का गोडाउन, और ऊपर भी कुछ ऐसे ही ऑफिसेज चलते थे ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए। क्योंकि जो इलाका है लखनऊ का आउटर पेरिफेरी है, ट्रांसपोर्ट नगर नाम सीधे तौर पर इसलिए दिया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए, यानी जो बड़े मालभाड़े के कारोबार हैं उनसे जुड़े हुए जितने भी बड़े ट्रक्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े ऑफिसेज हैं, वो इस इलाके में बने हुए हैं। लिहाजा यहाँ से भी ट्रांसपोर्टेशन का ही बड़े पैमाने पर काम होता था। जो जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ महीनों पहले एक ट्रक आकर बिल्डिंग की इमारत के जो पिलर में आकर लड़ा था अनलोड करते समय, और तब से इमारत में कुछ क्रैक आ गए थे। कल जब ये बीते दिन ये हादसा हुआ, तब भी इस इमारत में उसी तरह ट्रक बैक करते समय, गोडाउन के अंदर जाते समय उसी पिलर में जा लड़ा, और तब बिल्डिंग पूरी तरह से भरभरा कर नीचे आ गई। एक सेकंड का भी किसी को वक्त नहीं मिला। 30 से 35 लोग अंदर मौजूद थे, वो सब बिल्डिंग के अंदर फंस गए। जो टॉप फ्लोर पर थे उन्हें निकालना आसान रहा, कुछ लोग बिल्डिंग से कूदे भी दूसरी बिल्डिंग्स में, और
कुछ लोग नीचे दबे जिनको बचाना बिल्कुल मुश्किल हो गया और वही वो 8 लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। जी अभिषेक, जानकारी यहाँ पर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि पानी भरने से इमारत की नींव काफी कमजोर हो चुकी थी, जो कि देखी भी जा रही थी, लोगों ने इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन बावजूद इसके कुछ नहीं हुआ था। ऐसा कोई वहाँ के आसपास के लोगों ने जानकारी दी है क्या इस मामले में? बिल्कुल, आसपास कई सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, क्योंकि शहीद पथ से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, यानी मेन रोड से सटा हुआ इलाका है, थोड़ा सा नीचे बना हुआ इलाका है, पानी भरना स्वाभाविक सी बात है। और क्योंकि कल भी जब ये पूरा रेस्क्यू वर्क चल रहा था तब भी तमाम कीचड़ और पानी जलभराव की स्थिति वहाँ बनी हुई थी, लेकिन अब ये पूरा मामला जांच के बाद सामने है, क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक जांच सेटअप की है जिसमें 3 अधिकारियों को नोडल ऑफिसर्स बनाया गया है जो इस पूरे मामले पर जांच करेंगे कि आखिर बिल्डिंग के गिरने के मुख्य कारण क्या थे। मटेरियल वर्क की वजह से ये बिल्डिंग गिरी है, पुअर कंस्ट्रक्शन की वजह से गिरी है, क्योंकि नक्शा LDA से पास था तो नक्शे के अनुरूप बिल्डिंग बनी कि नहीं बनी, जो डायग्राम दिया गया था नक्शे के साथ उसी डायग्राम से बिल्डिंग बनी या नहीं बनी, ये सारी बातें हैं जो अब जांच के बाद सामने होंगी। इसीलिए पहले पूरा ध्यान रेस्क्यू वर्क पर लगाया गया था और अब जो मलबा है उसे हटाने का काम चल रहा है। जी अभिषेक, इसी के साथ अगर बात की जाए अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ बयान इस पर सामने आया है अभी तक इस पूरे हादसे पर, क्योंकि दुख जो है प्रधानमंत्री मोदी जता चुके हैं और मुख्यमंत्री भी जता चुके हैं, क्या कुछ ऐलान मरने वालों के लिए किया गया है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अचानक हुआ ये दुखद हादसा। सीधे तौर पर कहा जाए तो सभी आला अधिकारी रात भर वहां मौजूद थे, चाहे वो मंडल आयुक्त की बात की जाए यानी कमिश्नर की बात की जाए रोशन जैकब की, पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह सेंगर की बात की जाए वो वहाँ मौजूद थे, SDRF की टीम्स मौजूद थी जो लगातार रेस्क्यू वर्क करती रही, आसपास के जो लोग थे यानी जो लोकल रेजिडेंट्स थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। पूरी रात जब ये रेस्क्यू वर्क चलता रहा है, एक के बाद एक लोगों को बाहर निकाला जा रहा था, हर किसी के लिए उम्मीद की जा रही थी कि लोग जीवित बचें किसी भी तरह, इसीलिए रेस्क्यू वर्क बहुत धीरे किया जा रहा था ताकि मलबा हटाने की वजह से नीचे दबे किसी भी शख्स को ज़्यादा नुकसान ना हो, उस पर जान पर कोई बात ना आए। लिहाजा सोफिस्टिकेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं SDRF के उसका इस्तेमाल किया जा रहा था लोगों को बाहर निकालने के लिए, मोबाइल की लोकेशनों का इस्तेमाल किया जा रहा था। जी ठीक है अभिषेक, बात करें अगर जो लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं 20 से ज़्यादा उनकी संख्या है, उनकी हालत क्या कुछ बनी हुई है फिलहाल, वहाँ से कोई अपडेट अस्पताल से? बिल्कुल, कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, सीवियर वूंड्स लगे हैं कुछ लोगों को, और कुछ लोग हल्की फुल्की चोटों से ही उनकी जान बच गई, क्योंकि उस वक्त जब बिल्डिंग गिरी तो जो लोग टॉप फ्लोर पर थे सामान अनलोडिंग के लिए सामान भरवा रहे थे, कुछ और भी ऑफिसेस थे वहाँ, वो लोग ऊपर मौजूद थे, कुछ लोग बाहर की तरफ भी खड़े थे, तो वो लोग पूरी तरह बचे हैं, यानी उनको थोड़ी बहुत चोटें आई हैं। जब इमारत नीचे गिरी तो जो मलबा है वो एकदम से चेहरे पर आया या उनके शरीर पर आया, तो जो चोटें हैं वो ईंटें या कंक्रीट की वजह से उनको लगी हैं, लेकिन कुछ लोगों को गंभीर चोटें भी लगी हैं, यानी सीवियर वूंड्स हैं, उनके हाथ पैर की हड्डियां टूट गई हैं, उनका इलाज आसपास के अस्पतालों में चल रहा है। अतिरिक्त चिकित्सा व्यवस्था के लिए बाकायदा मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि किसी भी शख्स को इलाज की कोई दिक्कत ना रहे, इसीलिए स्पेशली डॉक्टर्स अलॉट किए गए हैं हर एक अस्पताल में जहां पर इससे जुड़े हुए मरीज हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, लेकिन अगर वहीं बात की जाए तो देखिए नई बिल्डिंग थी, ज़्यादा पुरानी ये बिल्डिंग नहीं थी, खस्ताहाल ये बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके का बड़ा हादसा ये हुआ है, तो वाकई में सवाल इस पर कई खड़े होते हैं और जांच का इंतज़ार हर किसी को है कि जब जांच की रिपोर्ट आएगी तभी पता चल पाएगा क्या इसमें जो सामग्री इस्तेमाल की गई, जो सामान इसमें इस्तेमाल किया गया वो खराब क्वालिटी का था या फिर कहीं पर कोई लापरवाही हुई, क्योंकि यहाँ पर 8 लोगों की जान गई है, 20 से ज़्यादा लोग जो है अभी अस्पताल में अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हैं। वाकई ये बड़ा हादसा है और इस पर जांच होगी तो रिपोर्ट जब सामने होगी तो कार्रवाई भी ज़रूर होगी, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने इसमें निर्देश दिए हैं और कहा है कि जल्द से जल्द सबका उपचार होना चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। फिलहाल शुक्रिया अभिषेक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।